टेक्सिल.com के YouTube चैनल पर मैं सी ए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। यदि किसी ओब्लिगेशन के अंतर्गत एम्प्लायर अपने एम्प्लॉई को कोई फूड बेवरेजेस हेल्थ सर्विस या ट्रैवल बेनिफिट प्रोवाइड करता है तो अब वह उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएगा। इसके लिए सरकार जल्द ही GST एक्ट में अमेंडमेंट करने जा रही है। इसके लिए सरकार सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज बी के अंदर जो है वो अमेंडमेंट करने जा रही है। यह है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज बी। यहाँ पे सरकार जो अमेंडमेंट करने जा रही है उसके लिए सरकार यहाँ पे प्रोविज़न डाल रही है। यह है प्रोविज़न जो सरकार डालने जा रही है, जो कि यह कहती है कि यदि उन गुड्स या सर्विसेज पर जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को प्रोवाइड करता है और जो कि एम्प्लॉयर का ओब्लिगेशन है कि वह उन्हें प्रोवाइड करे, उसके ऊपर एम्प्लॉयर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वह क्लेम कर सकता है। आज की डेट में यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कोई फूड बेवरेज या हेल्थ सर्विस या ट्रैवल बेनिफिट प्रोवाइड करता है तो वह उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन इस अमेंडमेंट के होने के बाद यदि एम्प्लॉयर ओब्लिगेशन के तौर पर अपने एम्प्लॉई को कोई फूड बेवरेज या हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है तो वह इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है, यदि उसका यह ओब्लिगेशन किसी एक्ट के अंतर्गत कवर्ड है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।